गाइज हे गाइज व्हाट्सअप अच्छा सर मेरी बात सुनो अल्ट्रासाउंड की हम लोग बात कर लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहली चीज है साउंड वेव्स दैट आर अब ट्वेंटी किलो हर्ट्स आपको पता है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ह्यूमन ऑडेबल फ्रीक्वेंसी फ्राम ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स यानी ट्वेंटी किलो हर्ट्स उससे जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड बोलते हैं ये बात समझ में आ गई अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कैसे होती है इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको फाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करना पड़ता है टू तो एक्चुअली प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड अब मैं आपको बताता तो हूं कैसे है? सबसे पहली चीज है फाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की खासियत यह है कि अगर एक क्रिस्टल है उसके दोनों साइड पर आप इलेक्ट्रोड लगा दो इलेक्ट्रोड लगा दो और आप उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ठीक है द क्रिस्टल विल वाइब्रेट वो क्रिस्टल अपना शेप चेंज करता है उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसकी एक खासियत है अब जब ये स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है तो इट टेंस टू वाइब्रेट डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज उसमें से वाइब्रेशन ऐसी होगी दैट विल बी बीड ट्वेंटी किलोहर्ट्स वेन दिस हैपन्स You have an ultrasound. I hope this is clear. So, this point I mentioned here potential difference applied across the piezoelectric crystal causes compression and expansion of the crystal, leading to strain. Strain is extension over the original length. I hope you recall this from your, o, o le for, from your AS level course, right? अब इसमें क्या है शॉर्ट पल्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ए सी इनपुट वोल्टेज कॉज इज द क्रिस्टल टू वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी ओके वाइब्रेट हुआ दिस प्रोड्यूस एन अल्ट्रासोनिक पल्स अब ये अल्ट्रासोनिक पल्स होगी अब एक मजे की बात जरा सुनो ये अल्ट्रासोनिक पल्स जाएगी आगे जाकर किसी चीज को टकरा कर ये वापस भी आ सकती है बिकॉज वी नो के साउंड में तो एक् तो प्रोड्यूस होता है Echo क्या होता है कि अगर मैंने यहां पे बोला कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलो थोड़ी देर के बाद आवाज आए हेलो तो इसका मतलब है दैट इज एको या पहाड़ के सामने जाकर आप जाओ आप जाकर बोलो आई लव यू और वापस सुनाई नहीं दे सुनाई देगा दैट इज गोइंग टू बी अनदर एक फैंसी साउंड आएगी आई लव यू दैट मींस के इसका मतलब है कि हमारे पास एक, एक एको वापस आया द सेम थिंग हैपेंस विद वेव्स अल्ट्रासाउंड गई किसी ऑब्जेक्ट को टकराया और वापस आए देखो अब ये मैंने बात तो बहुत ही मैंने एकदम से बहुत ही अब्रप्टली मैंने बोल दी कि गई टकराई और वापस आई जरूरी नहीं है हमारे पास जब मीडियम आते हैं ना कुछ अल्ट्रासाउंड अंदर ट्रैवल कर जाएगी और कुछ अल्ट्रासाउंड वापस आएगी जो अल्ट्रासाउंड वापस आएगी दैट कैन बी डिटेक्टेड अब डिटेक्टर भी मजे की बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह क्रिस्टल जो हमारे पास फाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल था जिससे जिससे हम लोग जनरेट कर रहे थे उस पर पीडी अप्लाई करके वही अल्ट्रासोनिक क्रिस्टल जो हमारे पास जो फाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है सॉरी अल्ट्रासोनिक बार बार बोलो फाइव इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है दैट इज ऑल दैट ऑल्सो सर्व दर्पज ऑफ बींग डिटेक्टर कैसे मैं आपको बताता हूं सुनो नंबर वन सबसे पहले आपने पी डी अप्लाई किया ए सी वाला पी डी अप्लाई किया ताकि उसमें फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट हो आपका क्रिस्टल वाइब्रेट किया अल्ट्रासाउंड जनरेट हुई अल्ट्रासाउंड आगे गई अल्ट्रासाउंड बाउंड्री पर टकराई अल्ट्रासाउंड वापस आएगी अब जब ये अल्ट्रासाउंड वापस आएगी तो सिंस दिस वी कैन नॉट हेयर इफ यू कैन हेयर इट ऑबली यू नीड टू गो टू वेट, फॉर ऑब्वियस रीजन अगर आपके पास ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर पे वापस आए क्रिस्टल पे वापस आए इट विल कॉज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन दिस इज एग्जैक्टली हाउ साउंड ट्रेवल्स राइट अगर साउंड ही इसी तरीके से ट्रैवल होती है तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ये क्या करेगा सुनो मेरी बात सुनो ये क्रिस्टल का शेप चेंज करने की कोशिश करेगा यानि स्ट्रेन अप्लाई करेगा अगर स्ट्रेन अप्लाई करेगा तो इस बार क्रिस्टल जो है एक वोल्टेज जनरेट करेगा टू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग अब ये वोल्टेज जो है कंप्यूटर के अंदर जाएगा और उसके बाद जो है एम्प्लीफाई होकर जो है मोस्ट लाइकली ये डिजिटल प्रोसेसिंग के बाद जाएगा किसके अंदर सीआरओ पे और ये डिस्प्ले होगा सी आर ओ पे सिग्नल एज एन इमेज दोबारा सुनो एसी वोल्टेज आपने अप्लाई की किस पर फाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर आपके पास क्या हुआ अल्ट्रासाउंड जनरेट हुई वो गई बाउंड्री पर टकराई वापस आई अब जब ये वापस आती है तो इट कॉज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन दिस ऑल्सो चेंजेज द शेप ऑफ द क्रिस्टल यानी माइनर स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन इस बार हमारे पास वोल्टेज जनरेट होगा दिस वोल्टेज इज डिटेक्टेड प्रोसेस्ड फेयर इन टू कंप्यूटर एंड देन डिस्प्लेड ऑन एन ऑस्टिलोस्कोप स्क्रीन इमेज आ जाती है हमारे पास ये बात समझ में आ गई यही चीज मैंने इधर भी लिखी है मैं सारे पॉइंट्स रिपीट कर लेता हूँ Short pulses of high frequency AC voltage input causes the crystal to vibrate at the same frequency. This produces an ultrasonic pulse. The same transmitter also receives the pulse. The crystal vibrates due to the sound pressure level changes. Vo say compression and rare fractions obviously path hai. This produces an EMF that is fed to a computer and finally processed and forwarded to the CRO for display. CRO pay display of that. So yeah. Absolutely. Pulses are directed to the organs under investigation. Different percentages of incident ultrasound reflect off the boundaries of the different types of tissues. important Important cheese. टाइम डिले कितना लगा अल्ट्रासाउंड सोनिक पल्स गई और वापस आने में इस टाइम डिले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि वो जो बॉडी पार्ट है वो कितना डीपर है सही है यानी डेप्थ आप कैलकुलेट कर सकते हो सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वो रिटर्निंग इंटेंसिटी आ रही है हमारे पास इट टेल्स यू कि हमारे पास जिस मीडियम से क्रॉस करके गई है वो मीडियम क्या था और दूसरी बात है किस चीज से टकरा कर आई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सो दिस रिटर्निंग इंटेंसिटी कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीड नंबर वन यही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं टाइम डिले गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेप्थ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मटीरियल ऑफ द बाउंड्री ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सी ए आई के हिसाब से छाप लो इनको मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं ये इससे ज्यादा आउट नहीं हो सकता ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना मैं चाह रहा हूं इनके नोट्स बना लो यहां पर जहां पे मैं बोलूं पॉज करो पॉज करो यहां पे पॉज करो और इसको कॉपी कर लो सही है उसके बाद फिर यहां से लेकर इधर तक जो है इसको कॉपी कर लो कॉपी दिस राइट नाउ पॉज कर लो भले वीडियो को ठीक है अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है अकुस्टिक एम्पीडेंस कैसे प्रोनाउंस करेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट द हेल इज अकुस्टिक इम्पीडेंस आप लिखना इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें से अल्ट्रासाउंड ट्रैवल कर रही है एंड द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम प्रोडक्ट होगा यानी ये आपके पास फॉर्मूला है यह चीज आप इसको नोट डाउन कर लो मेमराइज कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सपोज है। करो एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई जा रही है अल्ट्रासाउंड और फिर एक दूसरा मीडियम सामने आता है भाई सीधी सी बात है अगर बॉडी में ट्रेवल कर रही है अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर इतने मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, इतनी वेरिएशन है कि हमारे पास जी की वैल्यू जो अक्विस्टिक इंपीडेंस है उसकी वैल्यू में चेंजेस आएंगे अब इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मेरी एक जी की वैल्यू के अंदर अल्ट्रासाउंड ट्रेवल कर रही है बाउंड्री आई फिर एक दूसरा जी स्टार्ट हो गया सही so, है yeah. दूसरा मेरे पास मीडियम स्टार्ट हो गया अब जरा सुनना अगर Z यानी दो मीडियम्स की कंपेरेबल हो यानी आसपास की वैल्यू हो यानी अकुस्टिक इम्पेडेंसेस दो मीडिया के बीच में सेम ऑलमोस्ट सेम होकुस्टिक इम्पेडेंसेस तो अल्ट्रासाउंड ज़्यादा ट्रैवल करेगी यानी उस मीडियम के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी अगर Z की वैल्यूज में जमीन आसमान का फर्क है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट ज्यादा होगी डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ये जो मैंने अभी बात की है इसको दोबारा दो तीन दफा रिवाइंड करो और प्ले करो और सुनो और मेमोराइज करो अपने दिमाग के अंदर उसके बाद हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशेंट साउंड कूल राइट इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशन और इसमें क्या है? आई नॉट जो है यह हमारे पास इंसिडेंट इंटेंसिटी है जो आ रही थी मीडियम के ऊपर और आई आर वो है जो रिफ्लेक्ट हुई इंटेंसिटी दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी वैल्यूज इसको याद करने का तरीका यह है यह वाला जो फॉर्मूला है जी वन माइनस जी टू माइनस वाली वैल्यू ऊपर आएगी और प्लस वाली वैल्यू नीचे आएगी छोटी छोटी चीजें ऊपर रखी जाती हैं और बड़ी चीजें नीचे रखी जाती हैं और दोनों पे स्क्वायर लगा दो इस तरीके से इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर लो बड़े काम की चीज है अब जरा सुनो अगर ये आई आर ओवर आई नॉट वन के आसपास होगी वन के करीब ये रेशो आता है तो ये याद रखना आपके पास मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगी मिनिमम ट्रांसमिशन होगी अगर ये आई आर ओवर आई नॉट जीरो के करीब आता है जीरो के करीब आती है आई आर ओवर आई नॉट तो इसका मतलब है हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसमिशन हुई मिनिमम रिफ्लेक्शन हुई कॉमन सेंस की बात है सही है ये चीज मैंने जो है इधर पॉइंट्स में लिख दी है इनको तो जरा कॉपी करो और इनको समझ भी लो ये आपको खुद समझने वाली बात है कॉपी कर तो करो इसको राइट नाउ इस वीडियो को पॉज करो इसको लिखो और एक दफा अपने दिमाग में जो है ना इसको फिट कर दो मेमोराइज़ कर लो फायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा इसके बाद हमारा जो लास्ट फेज है इसका अटेनशन ऑफ अल्ट्रासाउंड आप जरा सुनो इसको समझाने के लिए सपोज करो यहां से मेरे पास अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट हुई ये एक मीडियम में ट्रैवल करती हुई जा रही है दिस वैल्यू विल टेंड टू डिक्रीज एज ए ट्रैवल्स ये और ये अगर आप देखो तो इसका कहने का मतलब है कि अल्ट्रासाउंड एक्सपोनशली डिकीजेज वेन पासिंग थ्रू अ मीडियम डिपेंडिंग ऑन द मीडियम इट अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है आई इज दी रिमेनिंग अल्ट्राइ वो एक्सरे जैसा ही है आई इज द रिमेनिंग इंटेंसिटी आई नॉट इज दिशियल इंटेंसिटी है मटीरियल डिपेंडिंग ऑन द मटीरियल एंड एक्स इज द थिकनेस इस चीज को मेमोराइज़ कर लो ये जितनी भी अभी मैंने थ्योरी आपको कराई है दिस कवर्स दायर पार्ट छोटा सा पार्ट था जो अल्ट्रा वो मेडिकल फिजिक्स का Which is the ultrasound. I hope you enjoyed the video. I will see you in the next class where I will be covering the PET scanning. Okay, guys, take care. You enjoy it.